हेलो, इसलिए तो मेरे फ्रेंड्स हैं भाई साहब। गर्मा गर्म चाय का अलग ही मजा आ जाएगा। मैगी और चाय भी है यहाँ पर। जस्ट बिलीव कि यहाँ पर इस कड़कड़ाती हुई ठंड में और इस स्नोफॉल के बीच में गर्मा गर्म मैगी और चाय पीने का क्या ही मज़ा होगा। वो भी हम लोग अभी एंजॉय करेंगे थोड़ी देर बाद। बट जस्ट वी आर प्रोसीडिंग अहेड। ये यहाँ पर हम इस टाइम पर हम रोहतांग पास में, यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है। रियली अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए। हम लोग जस्ट नीचे बैठ करके ये देख रहे थे कि स्नोफॉल होगा या नहीं होगा, या जिस भी तरीके से हम लोग ऊपर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बट हम लोग ATV करके यहाँ पर यहाँ तक आए और उसके बाद हम लोगों ने देखा तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। हाय, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अमेजिंग है। पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया था? बेस्ट एक्सपीरियंस है वो। चाय और कॉफी पीने का मज़ा, पीने का मज़ा ही अलग है इस वेदर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोहतांग पास में आज इतनी स्नो है और सुबह से ही बारिश की झड़ी भी लगी हुई है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं रोहतांग पास में ऊपर की तरफ चढ़ करके एक झरना बहता है जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मीन्स स्नो भी है, बारिश भी है और आपको एक वाटर बॉडी भी, या फिर मीन्स झरना भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और जब मैं आपको दिखाऊँगा कि दूसरे पहाड़ों में सामने की तरफ कैसा मौसम हो रहा है, लाइक आप देख सकते हो कि जो माउंटेन्स वो पूरी तरीके से कवर्ड है क्लाउड्स और स्नो से। तो ये है आज की अपडेट, ऐसा है आज रोहतांग पास में वेदर। वी आर एक्सट्रीमली लकी कि हम लोगों को ऐसा मौसम और ये सब कुछ देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्नो सूट जो होते हैं वो वेयर कर लिए थे और हाईली रिकमेंडेड भी है ये सब कुछ। स्नो सूट हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने बूट्स लिए हैं, वुलन सॉक्स लिए हैं, ग्लव्स लिए हैं, तब जा कर के हम लोग यहाँ पर इस पूरे वेदर को एंजॉय। वाटरफॉल का वेदर बर्फ ही बर्फ। जित उत देखो उत बर्फ।